यार अंदर की बात आपको पता नहीं, तो आप चुप रहो, ये क्या कर रही हो, जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो। लेकिन वो एनीवेज, तुम्हें भी तो पता है, इट्स सबको भी पता है कि वो क्यों कर रही हो, क्या कर रही है, छोड़ दो। ओके, जो भी है साइड पे रखो, बस नहीं कहना चाहती हूँ। मैं आई हूँ सिर्फ रमजान मुबारक करने के लिए, और लोगों ने बच्ची छोड़ दी, बच्ची छोड़ दिए। मेरी बच्ची यहाँ है, जो तुमने शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन तुम दिखा रही थी, मैं बीबी और एक बच्चा वहां पे मेरा, और बच्ची औरतों से शिकायत है कि एक माँ ने बच्चे को छोड़ दिया, हो सकता है। और देखो मैं ये कहती हूँ, देखो मैं ये कहती हूँ कि किसी पे तोहमत लगाना बगैर कुछ जाने, ये बहुत बड़ा गुनाह है, उसकी कोई माफी भी नहीं है। ओके, अपने आप आप वापस करें। मैं इनकी बहुत फैन थी, लेकिन अब मैं फैन नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने ये कर लिया। आपको पता है हुआ क्या मेरे लाइफ में? लाइक आप जानती हो मुझे। चलो कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, बस अफसाने बनाने में माहिर है, क्योंकि टिकटॉक प्लेटफॉर्म ही ऐसा है ना, मसला तो ये है। ये जो लड़की है, ये मुझे तब से जानती है जब शादी भी नहीं हुई थी, फर्स्ट मैरिज। ये बिल्कुल 7-8 साल हो गए। So, जो है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा, ये लोग ना कहें कि बच्ची कोई और बिठा के रखी है, ये मेरी बेबी है। बच्ची कोई और बिठा दे। और देखो पता है क्या, जिसने नहीं समझना उसे नहीं समझना, इतना नहीं करो बस, ठीक है। नहीं, मैं ये कहूंगी कि एक बंदा है जिनको मेरे भाई माना था पहले, कभी शायद वीडियो नहीं करवाई थी किसी की, तो मैंने उनको मैसेज किया। अभी क्या कह रहे हैं, मेरी ना दारू से बात हुई, उसकी बेटी बीमार है। मैंने कहा यार मेरी बेटी बीमार है, मेरी कब बात हुई इनसे? और किसी ने ये भी लिखा हुआ, मेरी दारिन से बात हुई है, दारिन ने कहा कि हम ठीक हैं, और मैं हंस रही हूँ। मैंने कहा यार उसकी किसी से भी बात नहीं हुई, क्या बोली जा रहे हो तुम लोग? नहीं, ये सारी बातें साइड पे, गालियां वगैरह जो भी साइड पे, एक बंदे ने कहा मेरी बेटी बीमार है। मैंने कहा यार अफ्रुल्ला, मतलब कुछ भी, यानी ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है ना, क्या करें। भाइयों से शिकायत नहीं है, उन बहनों से शिकायत है, जो कि बुरा बहुत बोल रही थी कसम से, लाइक बहुत बुरा, एंड मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज। अच्छा देखो, अगर यही वाली यही चीज अगर कोई लड़का करे ना, तो लड़के कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करते, लेकिन लड़कियों ने देखो क्या किया। लड़की की बात नहीं, जहां पे मुझे लगा कि जो है ना ये स्टेप है, अभी करना चाहिए, स्टेप उठाना चाहिए। और एक यही बात इतनी सी मैं तो ये कहूंगी, मसला ये है कि यार अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता किसी की डिवोर्स होती है, वो बताती है हेलो गाइस मेरी डिवोर्स हो गई, वाओ आई एम सो हैप्पी, कोई बताएगा? कोई भी नहीं बताता। डिप्रेशन में होता है उस वक्त, इंसान डिप्रेशन में होता है, वो क्या किसी को बताएगा मेरी डिवोर्स हो गई? और डिवोर्स दूसरी बात ये, देखो ये इतना बड़ा स्टेप, ये इतना बड़ा स्टेप इंसान ऐसे ही नहीं ले लेता, बहुत सारी रीजंस होती हैं, जाहिर सी बात है। किसी को अंदर की बात नहीं पता, कब से काफी टाइम से ऐसे हो रहा है, लेकिन मैं अपनी अंदर की बात नहीं खोलना चाहती, और नहीं मैं खोलूंगी, मुझे हो रहा है ऐसे खोलूं, लेकिन मैं लोगों को लग रहा है कि लोगों को लग रहा है ये अचानक क्योंकि वो आई है ना, वीडियो आई है, दैट्स व्हाई कोई आया था, उसने कर दिया। इधर मैं बाहर भी जाती हूँ ना मेरे यहाँ, तो लाइक ऑब्वियसली लोग पहचानते हैं, लोग जानते हैं, तो किसी ने वीडियो बना के कर दी। अच्छा अब लोग जो है ना, लोगों को अफसाना मिल जाएगा, लेकिन कोई नहीं, अगर तुम खुश हो, तुम्हारे जो चाहने वाले हैं उनको तुम्हारी खुशी में खुश होना चाहिए बस। हाँ, और ये कह रहे हैं, एक मेरी बात सुनो, जो इन्फ्लुएंसर होता है वो शेयरों पे बिक गई, ये कर दिया वो कर दिया, मेरी बात ये जरा इनको समझाओ, शेयरों पे बिक। ये चीज जो है ना, ये चीज मैं ये कहूंगी, दारेन के साथ तो मैं मैचेस वगैरह करती रही हूँ, हम लोग एक साथ लाइव स्टार्ट करते रहे, लेकिन अगर वो चाहती, उसको इतनी सपोर्ट हो सकती है, उसके इतने चाहने वाले हैं, उसको कोई जरूरत है क्या शेयरों पे? क्या शेयर क्या चीज? मैं बहुत कुछ अकेले भी इंसान एक औरत कमा सकती है ना अपना, ये नहीं कर सकती वो पैसों के। कोई कोई वो जो है जनाब, वो क्या नाम है, वो है क्या नाम है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हो तो मानू मैं, ये अंबानी हो तो मैं मानू। हाँ मतलब नॉर्मल इंसान है, लाइक वो ठीक है, वो गिफ्टर, यूसुफ का गिफ्टर है, उसको सब जानते हैं, सब इज्जत करते हैं, वो अच्छे इंसान है, नो डाउट। लेकिन दारेन की बात जहां तक आती, तो इनका ये शेरों वाला कोई मामला नहीं है, उन्होंने खुद भी क्लियर किया आके कुछ दिन पहले, लेकिन लोग फिर भी। हाँ ऐसा ही है बिल्कुल, और काफी टाइम से मैंने कहा जी, इट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा खोलो, जाके खोलो, पूछ लो आपका तो स्किन पीर है। हाँ जाओ जाओ उधर, जाओ खोलो जाओ। अच्छा तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि गाइस प्लीज स्टॉप बुलिंग मी, बुली हो रही है। मतलब देखो ये ना डिप्रेशन का शिकार मत बनाओ, मतलब कोई उसने जो भी किया कोई रीजन थी बड़ी, इसीलिए किया, तो तुम लोग सब भूल जाओ, समझो कि कुछ भी नहीं हुआ, और ये सब वीडियोस वगैरह डालना बंद करो नेगेटिव उसमें। नहीं वीडियोस का तो कोई नहीं, वीडियोस अगर आप अभी भी डाल रहे हो, कोई मसला नहीं, कि मेरा ये कंसर्न है कि मेरे बच्चों की वीडियोस ना डालें, दैट्स इट, मेरे तो डालें नो प्रॉब्लम, बिकॉज मेरी याद है ये चीज गलत है, या तो पहले बहुत और भी कंट्रोवर्सी बनी है, तो वो नो प्रॉब्लम, मैं इन्फ्लुएंसर हूं, मेरी अगर कंट्रोवर्सी बनती है तो नो प्रॉब्लम, लाइक ये हमें बर्दाश्त करना पड़ता। जली किचन में नहीं, बस मेरे बच्चों को वीडियोस वगैरह ना डालें, और बच्चों को साइड पर करें, और अगर आपको
जो यूज करना चाहेंगे तो वो लेकिन देखो ना इतनी बड़ी बात कह दी कि व्यूज वगैरह अगर चाहिए तो वीडियो लगा ले, कोई इशू नहीं है, बच्चों की ना लगाए प्लीज, ठीक है। सो या स्टिल लोग वही बातें कर रहे हैं, वही लिख रहे हैं, तो मैं तो ये बोलूंगी कि जो तुम्हारे चाहने वाले हैं ना उनको समझ आ रही है, बाकी को छोड़ दो। किचन में ये इसको जेली देना प्लीज, प्लीज जेली देना। आसिम भाई इधर ही है, उनको भी लेकर आओ ना, आसिम भाई इधर ही है। हाँ जी आसिम भाई को बोलो आए कुछ देर के लिए। हम लोग ऐसे जो है ना काफी टाइम से मैं लाइव तो यहाँ आने के लिए चला जाते वो मैंने यहाँ पे काम कर दो थोड़ा लाइफ पे आ जाए दोनों साथ में। वालेकुम सलाम मेरी ना तबीयत बहुत डिप्रेशन से तबीयत इतनी खराब हुई थी जैसे आज तो है ना ठीक हुआ है थोड़ा बहुत। नहीं टेंशन ना लो बस, मैं तो ये बोलूंगी चिल करो, जो होना था हो गया और अब लोग भूल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। हल्कू भाई आना चाहते हैं आई थिंक, एक मिनट कहाँ है ये मुझे नहीं दिख रहे मलकू भाई, आप जो है इन्होंने बहुत अच्छी बात की थी लाइफ पे भी, तो मैं उनको लेना चाहती हूँ और मुझे नहीं दिख रहे दोबारा से, वो दोबारा से रिक्वेस्ट भेजें फिर तुम्हें शो का टॉप पे। एक मिनट इधर देखना कहाँ से आता है, मुझे नहीं दिख रहे, देखना एक्सेप्ट करना ये जो फ्लावर है ना यहाँ से क्लिक करो तो मैं अब नजर आ जाएगा। एक मिनट ये तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, कैसे होता है एक्सेप्ट, मैं तो भूल गई एक्सेप्ट करना प्लीज, आ नहीं रहे। एक मिनट कहाँ है वो, मुझे नहीं दिख रहे सबसे नीचे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट होंगी ना, बहुत ज्यादा लोग आना चाह रहे हैं लाइव, लेकिन मैं उन्हीं को लूंगी जिन्होंने जो है ना, तुम उन्हीं को लो जिनको तुम जानती हो। हाँ मतलब पर्सनली नहीं जानती मैं, कसम से पर्सनली नहीं जानती मैं, लाइव पे मैंने जो वीडियोस देखी हैं और जिन्होंने मुझे जो है ना अच्छी बात की, जो मुझे अच्छी लगी, जिनके सारे में जिंदा खड़ी हूँ अभी थोड़ी देर। नहीं देखो उस दिन आसिम भाई ने जो बातें बोली थी ना आके, उन्होंने तो कसम से दिल जीत लिया दोबारा। हाँ लेकिन जो ना मेरे तुम देखो ना मेरे कमेंट सेक्शन, उफ मैं तो सोचते डीएक्टिवेट करती हूँ, मैंने कहा नहीं मैं क्यों भागू किसी से, मैंने हाँ कुछ गलत तो नहीं किया ना, मतलब मैं स्ट्रांग रहूंगी, स्ट्रांग गर्ल बिल्कुल। या मुझे ना इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि मुझे जिन लोगों को मैं जानती भी हूँ ना उन लोगों को ही दे पा रही हूँ, तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ कसम से। और जीमा बेबी जेली किचन में ना